Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another exciting video. और आज का video is very different because आज मैं कोई haul video नहीं करने वाली हूँ. आज मैं एक 5 minute summer makeup look आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. So I decided कि मैं एक summer series start करती हूँ for 2023, जिसमें कि मैं summer makeup look, summer के ही सारे hauls रखूँगी, जैसे summer कुर्ती, summer wedding look, summer वेडिंग कुर्ताज या समर वेडिंग आउटफिट्स या समर टॉप्स, मतलब सारी ही चीज़ें मैं समर्स की रखूंगी. समर जींस, समर आउटफिट्स, तो इस तरह से ना एक समर की सीरीज स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ समर सीरीज एंड इसके बाद में बहुत सारे हॉल वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको समर कुर्तीज, समर कुर्ता सेट, समर वेडिंग लुक या हैवी कुर्ता सेट्स फॉर समर, इस तरह की ना बहुत सारी हॉल वीडियोस आएंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी हॉल वीडियो मिस ना करें और आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए. और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में. सो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, ये 5 मिनट समर मेकअप लुक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इन टू द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ ना समर्स में मेकअप करने से पहले इज द आइसिंग. और मैं ना बहुत जो बेसिक वाला आइसिंग वाला रूल होता है ना वही फॉलो करती हूँ. मेरे पास कोई वो आइस रोलर या ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बस वो जो ट्रे में आइस रहती है ना उसी को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ बिफोर मेकअप. और आइसिंग के ना वैसे आप सबको पता ही होगा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अपने फेस को आइस करने के. तो मेकअप से पहले अगर हम आइसिंग करते हैं तो हमारा मेकअप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है. सेकेंडली पोर्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं और फेस पे शाइन आ जाती है. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आइसिंग करने के फेस पे. सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड नेचर है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो मैं मेकअप से पहले बिना फेस पे कुछ भी अप्लाई करें, मतलब फेस वॉश किया होगा अभी जस्ट मैंने और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, और सबसे पहले मैं आइसिंग करूँगी. तो आई टुक दैट आइस क्यूब और मैं अच्छे से आइसिंग कर लूँगी अपने पूरे फेस पे, इंक्लूडिंग ये वाला जो एरिया होता है ना जिसमें पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं ना उन जगहों पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ना आइसिंग कर लूँगी पूरे ही फेस पे. सो लेट मी कंप्लीट द आइसिंग पार्ट फर्स्ट. एंड नाउ जो आइस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छे से मैंने आइसिंग कर लिया है. आपको वैसे तो दिखाई दे रहा होगा चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल लाल, मतलब रेड हो जाता है आइसिंग के बाद में, बट बहुत अच्छा सा ना कूलिंग सेंसेशन मिल जाता है. इसके बाद में जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं ना वो प्रॉपरली पहले तो अप्लाई हो जाती है, सेकेंडली सारे पोर्स को क्लोज हो चुके होते हैं और कूलिंग इफेक्ट आ चुका होता है इसके लिए. इसकी वजह से ना मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. तो मैंने बहुत अच्छे से आइसिंग कर ली है अपने फेस पर. अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई आउट कर लेती हूँ. दिस इज द लुक आफ्टर आइसिंग. अब मैं अप्लाई करूंगी सबसे पहले अपना मॉइस्चराइजर और अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी बिकॉज कि हमने अभी अभी आइसिंग किया है और मैं चाहती हूँ कि फेस वापस से हॉट होने से पहले ना मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाए ताकि ये स्टे करे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज किया है सेटाफिल डैम. हालांकि ये वाला मॉइस्चराइजर ना लोग विंटर्स में यूज करते हैं बट मुझे ऐसा लगता है आइसिंग करने के बाद में ना आपको अपने फेस को बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर देने की जरूरत होती है बिकॉज ना आइसिंग कहीं ना कहीं तो ड्राई आउट करती है स्किन को, और उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड किया है ना अपनी स्किन को तो कोई भी डैमेजेस नहीं होंगे. मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, नाउ आई टेक द सनस्क्रीन. तो जो सनस्क्रीन मैं यूज करूंगी वो डर्माको का है. वैसे तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको पता होगा कि मैं ना डर्माको का ही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है, इसका ना कोई भी वाइट कास्ट नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा ना लाइट है स्किन पे. सो आई टुक दिस अमाउंट और जो सिर्फ मेरे फेस के लिए है सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, और जो बचा हुआ सनस्क्रीन है मेरे हाथों पर इसको मैं अपने नेक पे लगा लेती हूँ सो दैट कि यहाँ भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ फाउंडेशन. और मैं हमेशा ही ना फाउंडेशन स्किप करती हूँ इन समर्स. मैं हमेशा बीबी क्रीम अप्लाई करती हूँ. आइदर जो पाउडर फाउंडेशन आते हैं ना वो पाउडर फाउंडेशन आई सपोर्ट कि हाँ ठीक है पाउडर फाउंडेशन हम यूज़ कर सकते हैं, बट समर्स में ना मैं जो प्रॉपर फाउंडेशन होता है ना वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरे फेस में ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जिसकी वजह से ना फाउंडेशन लगाना इज नेवर अ गुड ऑप्शन फॉर मी. तो मैं अप्लाई करती हूँ बीबी क्रीम जो कि पॉन्ड्स का है, और इसमें जो मेरा शेड है ना ये आइवरी है. इसमें दो शेड्स आते हैं, एक नेचुरल और एक आइवरी. तो लाइटर स्किन टोन्स जो है ना उनके लिए आइवरी रिकमेंडेड है, और जो थोड़ा डार्कर साइड पे है ना
उनके लिए जो नेचुरल वाला आता है ना वो वाला रिकमेंडेड है। तो दिस इज़ माई शेड आइवरी और इसको मैं बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में लूँगी एंड सिर्फ इतना सा इज इनफ। डॉट डॉट करके ना पूरे ही फेस पे अप्लाई कर लूँगी, इंक्लूडिंग मेरा जो ये आई एरिया है ना इसको इंक्लूड करते हुए पूरे ही फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड आई डोंट यूज़ एनी वो जो होता है ना वट एवर कॉल्ड क्या कहते हैं उनको, स्पॉन्ज होते हैं ना जो, वो मैं यूज़ नहीं करती। मैं हाथ से ही इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी बिकॉज बेबी क्रीम डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ थिंग जिसको कि ना यूज़ किया जाए उसको अप्लाई करने के लिए, हम इसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन सी ये बहुत ही अच्छे से ना मेरी पूरे स्किन में ब्लेंड हो गई है, बहुत ही अच्छी इसकी ब्लेंडिंग पावर है। इसके लिए ना किसी भी ब्रश की या किसी स्पॉन्ज की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से ना हाथों से ही ब्लेंड हो जाती है। एंड नाउ इट्स टाइम टू पाउडर द फेस। फॉर पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इसमें ना SPF भी है। और जो मैंने ये लगाया ना बीबी क्रीम इसमें भी SPF 30 है और इसमें भी SPF 15 है। करती हूँ मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना तो SPF वाली चीज़ें ही अप्लाई करो बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर SPF वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं ना तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ना SPF वाली चीज़ें ही अप्लाई करूँ अपने फेस पे। तो दिस इज़ SPF 15 एंड कॉम्पैक्ट पाउडर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कवरेज भी ये ठीक ठाक सा दे देता है और बहुत ही अच्छा ना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है इसका। मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप भी इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट्स हैं और बहुत ही ना अमेजिंग सा है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस इज़ द लुक कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद में, और थोड़ा सा मैं अपनी गर्दन पे भी लगा लेती हूँ सो दैट कि मिसमैच नहीं लगे फेस गर्दन से। Now I'll apply my eyeliner. So for eyeliner I have multiple options, but मैं वही basics eyeliner apply करूँगी, वही black वाला। And this eyeliner is from Color Bar और बहुत ही ज़्यादा अच्छा eyeliner है ये। इसका जो brush है ना वो कुछ इस तरह का है, let me show you the brush। इस तरह का इसका ये brush है जो ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है लगाना। बहुत सारे मैंने ब्रश देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लीक होते हैं ना, उनको लगाने में मुझे इतना ज़्यादा कंफर्ट कभी भी नहीं आता जितना ना इस वाले ब्रश को यूज़ करने में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली ना जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई लाइनर है। सो लेट मी अप्लाई द आई लाइनर फर्स्ट। एंड दिस इज द लुक आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर, और बहुत ही ज़्यादा मैटिफाई वाले जो आई लाइनर होते हैं ना वैसा वाला इसका लुक है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आने वापस से स्टार्ट हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और अभी मैं अगर पंखा या एसी कुछ भी चलाऊंगी ना तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, मतलब मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी वीडियो में, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। नाउ इज़ द टाइम टू अप्लाई द मस्कारा। तो मस्कारा भी मेरे पास कलर बार का है। ये जो मस्कारा है ना ये दो तरफ से ओपन होता है, फर्स्ट इज दिस, यहाँ से ओपन होता है फॉर बहुत ही मिनिमल से अगर आपको मस्कारा लुक चाहिए, और अगर आपको हैवी मस्कारा लुक चाहिए तो ये यहाँ से ओपन होता है, मतलब ये दोनों ही तरफ से ओपन होता है, यहाँ से और यहाँ से। तो अभी मुझे बहुत ही मिनिमल मेकअप करना है तो मैं ये वाला मस्कारा ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड आई विल अप्लाई इट। नाउ दिस इज द लुक ऑफ मस्कारा, और ये मस्कारा भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई अप्लाई द ब्लश, सो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश फ्रॉम माई ग्लैम एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल कलर, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है। एंड हेयर इज़ माई ब्रश द ब्लशर ब्लश। तो मैं इसको इस तरह से लेके एंड मैं इसको ना इस तरह से कर लेती हूँ ताकि नहीं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हो जाए। एंड नाउ एंड दिस इज द लुक आफ्टर अप्लाइंग द ब्लश। एंड नाउ द टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डियाना फ्रॉम नायका, ये नायका की लिपस्टिक है, द कलर इज डियाना और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये कलर है। इज़ द कलर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई अ मेकअप फिक्सर। सो द मेकअप फिक्सर विच आई यूज़ इज स्विस
ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप फिक्सर है। मुझे आई डोंट नो वाई अभी तक मेकअप फिक्सर बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती थी, बट जब से ये समर से स्टार्ट हुए ना मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है और इसके जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छे हैं। मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, जो मुझे अभी पसीने आ रहे हैं ना पसीने के बाद भी ना जो मेरा मेकअप है ना, अगर आप इन फ्रंट मुझे देखोगे ना, जैसे अभी तो आप कैमरे में देख रहे हो, इन फ्रंट देखोगे ना तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और पसीने आने के बाद भी ना मेकअप अपनी जगह से ना हिलता नहीं है। ये पसीने तो सूख जाएंगे जैसे ही मैं एसी ऑन करूँगी या फैन ऑन करूँगी और बहुत ही ज़्यादा ना नेचुरल सा लुक आएगा एंड मेकअप फिक्सर। सो आई विल अप्लाई इट नाउ। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना इज सो नाइस, अच्छा है फ्रेग्रेंस है इसका और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये। और एंड दैट्स ऑल फॉर मेकअप। यू कैन सी मेकअप कितना ज़्यादा फ्लोलेस लग रहा है, बिल्कुल भी अननेचुरल या ऐसा नहीं लग रहा बहुत हैवी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। बहुत ही ज़्यादा ना कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मेकअप है ये, बहुत नेचुरल है और समर्स के लिए ना बेस्ट है बिकॉज मैंने कुछ भी बहुत हैवी अप्लाई नहीं किया। और जितनी भी चीज़ें मैंने अप्लाई की है ना, जैसे ब्लश हो गया, मतलब सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ पाउडर फॉर्म में हो, ब्लश जो आते हैं ना वो क्रीम फॉर्म में होते हैं, मेरे पास भी कई सारे ब्लश रखे हैं जो क्रीम फॉर्म में हैं, बट मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि समर्स में ना जो पाउडर ब्लश होते हैं ना वो यूज़ किए जाएँ बिकॉज वो ज़्यादा बेटर होते हैं और थोड़े लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली समर है और इतना पसीना आने वाला है तो जितना हम क्रीम बेस अप्लाई करेंगे समर्स में उतना ज़्यादा हैवी होता जाएगा। सो मेक तो इसको बहुत ही ज़्यादा ना हल्का रखने के लिए, मेकअप को बहुत हल्का रखने के लिए मैं पाउडर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो ब्लश भी मेरा पाउडर होगा और जो ये कॉम्पैक्ट पाउडर ना ये मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कंसीलर यूज़ करती अगर मैं विंटर्स में मेकअप कर रही होती। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा और बहुत ही ज़्यादा ना नेचुरल सा ये लुक आता है। मुझे ना ये डेली मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं रेगुलरली मेकअप ऐसे ही करती हूँ, इसके अलावा ना कोई भी चेंज नहीं होता मेरे मेकअप में, रोज़ इतना ही मेकअप होता है एज इट इज़, यही मेकअप होता है, बस लिपस्टिक का ना कलर चेंज होता रहता है, कभी ये वाला है कभी न्यूड हो जाएगा कभी कुछ बस, एंड दैट्स इट फॉर माय मेकअप लुक। और इसके बाद में मैं बस अपने हेयर्स को ड्राई कर लूंगी एंड लेट मी कम। सो दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने हेयर ड्राई नहीं कर पाई बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है तो मुझे इनको बस ऐसे ही कोम करना पड़ा, बट दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द मेकअप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है ना सारी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना गाइस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन टू। एंड इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट रिव्यूज़ के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।